आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 7 मार्च की श्रीवरदान की रिकॉर्डिंग। होली आ रही है और होली का महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। होली का मतलब होता है होली इंसान, और ये भी सकता है होली जो बात हो गई वो हो गई। तो परमात्मा आज इन दो चीजों के रहस्य को हमें बता रहे हैं कि ये दोनों चीजें कैसे ज्वाइंट हैं, और होली का रियल मीनिंग क्या है, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है होली का। सिर्फ रंग लगाने से नहीं हो जाता है कोई होली, और ना ही आप होली सिर्फ रंग लगाने से मना सकते हैं। होली का कुछ अर्थ है। तो देखें, परमात्मा के अपने ही शब्दों में आज उनके राज जो हमें समझाने वाले हैं। परमात्मा कहते हैं, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित। होली सिर्फ कलर लगाना नहीं, उसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाना। स्थित हो सच्ची होली मनाने वाले, हाईएस्ट होलीएस्ट भवा। हाईएस्ट और होलीएस्ट है ना, होलीएस्ट जो टाइटल होता है वो ज्यादातर सेंट्स को, प्रॉफिट्स को, पोप को भी मिलता है एंड बहुतों को मिलता है, लेकिन होलीएस्ट ऑफ द होलीएस्ट कौन है? परमपिता परमात्मा। तो होली जो बात होई वो हो गई, पास्ट में चलेगी, भूतकाल में चलेगी, होली वो बात होली, अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई हो ली, जो सीन हुई हो ली। हमारे लाइफ में 5 मिनट पहले कुछ हुआ, किसी ने कुछ आकर के कर दिया, हमारे लाइफ में कोई घाटा पड़ गया, कोई नुकसान हो गया, या कोई चीज खराब हो गई, या किसी ने धोखा दे दिया, वो बात हो ली। अब क्या करना है? लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम उस बात को पकड़ करके क्यों, क्या, और फिर औरों के अंदर गलतियां ढूंढना। तुम्हारी वजह से हुआ, तुम अगर थोड़े सावधान रहते तो नहीं होता, तुम्हें अगर थोड़ी अकल होती तो कर सकते थे, आगे ठीक कर सकते थे उससे पहले से। और हम इन जंजालों में, माया के जंजालों में फंसते हैं, खुद को भी परेशान करते हैं और को भी परेशान करते हैं, और होली का रंग उतरता जाता है, मतलब कि खुशी का रंग उतरता है, प्रेम का रंग उतरता है, शांति का रंग नीला उतर जाता है, प्रेम का रंग हरा उतर जाता है, शक्ति का रंग लाल उतर जाता है। चाहे फिर आप जितने भी रंग गुलाल लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। फिर परमात्मा कहते हैं, बीत गई, बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। लेकिन परमात्मा ये भी कहते हैं कि ड्रामा की हर हमेशा वही सेम गलती करते रहो, फिर बोलो ड्रामा, वो नहीं। एक गलती हुई, कोई चीज हुई जिस कारण से हमें नुकसान हुआ, हाँ वो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब का फल मिला हमें, वो गलत हुआ, लेकिन अब सावधान, अब फिर से कोई विकर्म नहीं कर देना, फिर से क्रोध यूज करके, अहंकार यूज करके, घृणा, ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन यूज करके, फिर से अभी का प्रेजेंट वक्त जो है उसको आगे हम फिर से होली ना करने पाए। मतलब कि फिर गलती करी, फिर कहा ड्रामा, फिर होली, फिर गलती करी, फिर कहा ड्रामा, फिर होली, नहीं। अभी का भी इस सेकंड में ही अपने आप को स्टॉप कर दो, ना ब्लेम करो, ना कंप्लेन करो, और अपने अंदर सहन शक्ति ले आओ, और इस क्षण को अच्छा बनाओ, खुशनुमा बनाओ। इसलिए होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता कि होली। एक एक सेकंड, हर सेकंड ड्रामा का जोरा एक्यूरेट हो रहा है। कल पहले भी हुआ था, 5000 साल पहले भी ऐसे ही रिपीट हुआ था, और वो आपके लिए टेस्ट पेपर आया था कि क्या आपने उसमें इरिटेशन को महसूस किया, फ्रस्ट्रेशन महसूस किया, कि आपने ड्रामा का, ड्रामा हो गया, हो गया, सो हुआ हुआ, होली सो होली। अब क्या करना है? अब मुझे अपनी स्थिति को बनाए रखना है। या तो आपने ये किया, या तो फिर आपने गलत रास्ते अपनाए। जो बीता हो गया, वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, कैसे हो गया, किसने कर दिया, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको समझ नहीं है, उसको अकल नहीं है, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। इसको कहते हैं फुल स्टॉप लगा देना। क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाइएस्ट स्टेज बना लेते हैं। उसी समय जो सिचुएशन आई, कोई परिस्थिति आई, कोई चीज घाटा पड़ गया, निंदा स्तुति, मान अपना अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, कुछ भी हो जाए एक क्षण पहले, लेकिन वो क्या करते हैं, होली होली। अब क्या करना है? अब मुझे नया डिसीजन बनाना है, अब मुझे नए तरीके से परखना है, अब मुझे नए तरीके से नया निर्णय करके आगे बढ़ना है। जो हो गया सो हो गया। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाइएस्ट। इसके लिए क्या कहा है परमात्मा ने, आप कब होलीएस्ट हो गए? जब आप होली सो होली कह दोगे, और उस समय फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा आपके अंदर, क्योंकि क्रोध आया तो आप होली तो नहीं कहला सकते। तो अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, अहंकार नहीं आया, और आपने होली सो होली, चलो बीती सो बीती, छोड़ो उस बात को, आगे बढ़ते हैं, वो भी क्रोध से नहीं, खुशी खुशी कहना है, तंग होकर के नहीं, हाँ होली सो होली, ऐसे नहीं, खुशी खुशी कि होली होली, जो बात भी हुई चलो आगे बढ़ते, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा क्या, कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा तेरा तेरा। और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। हाईएस्ट स्टेज मतलब मनोस्थिति को हाईएस्ट बना लेते हैं, सदा खुश रहते हैं और उनके ऊपर
खुशी का कलर पीला, उनके ऊपर शक्ति का कलर लाल, उनके ऊपर हरा कलर प्रेम का लगा रहता है। वो सबको प्रेम दे पाते, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन नहीं देते, क्रोध नहीं देते। ये ताकत कब आती है? जब हम परमपिता परमात्मा से ड्रामा का राज, 5000 वर्षों का राज, और जो ड्रामा में हुआ सो हुआ, मैं आत्मा हूं, हर एक के अपने संस्कार, ऐसे बहुत विभिन्न विभिन्न पॉइंट्स को हम याद करते हैं अपनी परिस्थिति में भी और अपने मनोस्थिति को बनाने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं अगर आप ब्रह्म कुमारी के हर दिन के ज्ञान को समझे 7 दिन के कोर्स करने की बात। ओम शांति। इसके साथ